वेलकम टू अवर चैनल पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी। बहुत ही कम लोग हैं इस दुनिया में जो अपनी जान को जोखिम में डालकर भी इंजॉय करते हैं। ऐसा ही एक जाना माना सा चेहरा जो आउटडोर एडवेंचर्स और सर्वाइवल स्किल्स में माहिर हैं, जिसका नाम है बियर ग्रिल्स। टीवी की दुनिया में बियर ग्रिल्स किसी भी हॉलीवुड या बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से कम नहीं है। चुनौतियों का सामना करना इनका पसंदीदा शौक है। अपने पॉपुलर टीवी शो मैन वर्सेस वाइल्ड में लोगों को दुर्गम परिस्थितियों में जिंदा रहने के गुर सिखाते हैं बियर ग्रिल्स। कई बार अजीबोगरीब हरकतें करते हुए भी नजर आ जाते हैं, जैसे बियाबान जंगल में जहां पानी का कोई सोर्स नहीं है, वहां हाथी के गोबर में से पानी निचोड़ कर पीते हैं। लेकिन ये तो सच है कि अगर ऐसी दुर्गम परिस्थितियां हो तो जिंदा रहने के लिए उनके सिखाए गए गुर हमेशा काम आते हैं। हर बार अपनी जान को जोखिम में डालकर बियर ग्रिल्स हमें ऐसी सर्वाइवल स्किल्स सिखाते ही रहते हैं। 7 जून 1974 में ब्रिटेन में पैदा हुए बियर ग्रिल्स पेशे से एक एडवेंचरर, राइटर, मोटिवेशनल स्पीकर और टीवी प्रेजेंटर हैं। बियर ग्रिल्स का पूरा नाम एडवर्ड माइकल ग्रिल्स है। बियर ग्रिल्स ने कम ही उम्र में अपने पिता के साथ रॉक क्लाइंबिंग सीख ली थी। उन्हें शुरू से ही एडवेंचर का शौक था। जब वो टीनेज में पहुंचे तो उन्होंने स्काई डाइविंग भी सीखी और कराटे में ब्लैक बेल्ट भी हासिल कर ली। बियर ग्रिल्स इंग्लिश के अलावा फ्रेंच, स्पेनिश लैंग्वेज भी जानते हैं। धर्म से क्रिश्चियन बियर ग्रिल्स की गॉड में बहुत ही ज्यादा आस्था है। ईयर 1994 में अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद बियर ग्रिल्स माउंटेनियरिंग के लिए भारत के सिक्किम और वेस्ट बंगाल में भी आए थे। बियर ग्रिल्स इंडियन आर्मी से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे और वो इंडियन आर्मी में भर्ती भी होना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर ली, जिसमें वो सर्वाइवल इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करते थे। सर्वाइवल इंस्ट्रक्टर यानी एक ऐसा आदमी जो ब्रिटिश आर्मी के जवानों को दुर्गम परिस्थितियों में जिंदा रहने के लिए तरीके सिखाता था। ईयर 1996 में उनकी पोस्टिंग नॉर्थ अफ्रीका में हुई तो एक हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने के बाद बदकिस्मती से उनका पैराशूट खुला ही नहीं और वो सीधा जमीन पर आ गिरे, वो भी पीठ के बल। गनीमत है कि उनकी जान तो बच गई, लेकिन पीठ में रीढ़ की हड्डी 3 जगह से फ्रैक्चर हो गई। हॉस्पिटल में कई महीनों तक उनका इलाज चला। डॉक्टर ने उन्हें कहा कि वो दोबारा पहले जैसी एडवेंचर्स लाइफ नहीं जी पाएंगे, लेकिन शायद डॉक्टर को नहीं पता था कि ये बियर ग्रिल्स हैं जो मौत को भी मात देने में माहिर हैं। अब इलाज के बाद बियर ग्रिल्स को ब्रिटिश आर्मी छोड़नी पड़ी और उनका अगला टारगेट था माउंट एवरेस्ट। 16 मई ईयर 1998 के दिन माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बियर ग्रिल्स ने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले एक ब्रिटिश नागरिक के रूप में अपना नाम दर्ज करवा लिया। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान उन्हें कई बार मौत का सामना भी करना पड़ा। एक बार तो वो बर्फीले पहाड़ की दरार में भी गिर गए, लेकिन उनके शेरपा ने उनकी जान बचा ली, जिसके लिए बियर ग्रिल्स आज भी उस शेरपा के एहसानमंद हैं। ईयर 2000 में बियर ग्रिल्स ने शारा ग्रिल्स से शादी कर ली और उनके 3 बच्चे भी हैं। बियर ग्रिल्स ने अपने बच्चों को भी सर्वाइवल ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। बाहर से बियर ग्रिल्स जितने कठोर और टफ दिखाई देते हैं, दिल से वो उतने ही नरम और दयालु भी हैं। लोगों की मदद करना और चैरिटी के काम करने में वो हमेशा आगे ही रहते हैं। एक बार उन्होंने अपने एक विकलांग दोस्त की मदद के लिए बाथ टब में बैठकर थेम्स नदी पार की थी और उससे जो भी चैरिटी में पैसा आया था वो उन्होंने अपने दोस्त को दे दिया। इसके अलावा भी बियर ग्रिल्स कई तरह के चैरिटी वर्क करते ही रहते हैं। ईयर 2000 में बियर ग्रिल्स हॉट एयर बैलून में 2 और लोगों के साथ बैठकर 25,000 फुट की ऊंचाई पर उन्होंने डिनर पार्टी की, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके बाद ईयर 2006 में आया डिस्कवरी चैनल पर उनका शो मैन वर्सेस वाइल्ड। ये एक ऐसा टीवी शो था जिसने पूरी दुनिया में उनके फैंस बना दिए। इस टीवी शो की पॉपुलैरिटी से बियर ग्रिल्स बच्चों से लेकर बड़ों तक सब में पॉपुलर हो गए। उनका ये शो पूरी दुनिया में इतना पॉपुलर हुआ कि बड़े से बड़े सेलिब्रिटी जैसे बराक ओबामा, रजनीकांत, अक्षय कुमार और यहां तक कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शो में बियर ग्रिल्स के साथ एडवेंचर करते हुए नजर आ चुके हैं। मैन वर्सेस वाइल्ड की सफलता के बाद बियर ग्रिल्स ने कई और टीवी शो भी किए, जैसे वर्स्ट के सिनेरियो, बियर वाइल्ड वीकेंड, एस्केप फ्रॉम हेल, मिशन सर्वाइवल और भी बहुत सारे शोज बियर ग्रिल्स ने किए। टीवी पर काम करने के अलावा बियर ग्रिल्स एक ऑथर भी हैं। उन्होंने कई बुक्स भी लिखी हैं,
जिसमें उनकी ऑटोबायोग्राफी मड स्वेट टीयर्स द ऑटोबायोग्राफी भी शामिल है। आज बियर गिल्स के चाहने वाले पूरी दुनिया में हैं और खास तौर पर भारत में तो उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा है। अगर आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपका एक एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है। अपने दोस्तों में अपनी वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।